प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में दो त्रिभुजों की समरूपता की कोण 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 कसौटी को किया था, उसका प्रूफ किया था, कि इसी तरह से एक कसौटी और है जो है कोण कोण समरूपता कसौटी। इसका अर्थ यह है कि अगर एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरी त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुजें आपस में कैसी होगी, समरूप होगी। तो बिल्कुल इजी सा प्रूफ है, देखते हैं कोण कोण समरूपता कसौटी, जिसको इंग्लिश में लिखेंगे AE, एंगल एंगल। अब अगर हम इसकी बात करें, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये बिल्कुल कोण 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 यानी कि ट्रिपल ए ए ए ए समरूपता कसौटी के जैसा ही है। अब देखो ये किस तरह से उसके साथ मैच करेगा। मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी और दूसरी है डीईएफ, और इस त्रिभुज के दो कोण, मान लो कोण ए कोण डी के बराबर है और कोण बी कोण ई के बराबर है, तो हमें यह दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज हैं समरूप हैं। अब पहले बच्चों आप सोच के देखो कि एक त्रिभुज के दो कोण अगर दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होंगे तो तीसरा कोण भी तो बराबर ही होगा। मान लो आप ये कोण 50 डिग्री का ले लेते हैं, ये कोण 60 डिग्री का ले लेते हैं, तो ये भी कितने का होगा 50 डिग्री का, और ये भी कितने का होगा 60 डिग्री का, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, चाहे त्रिभुज कोई सी भी हो। तो ये हमारे पास 50 और 60 110 हुए, तो ये 70 डिग्री का होगा। ये भी 50 और 60 110 हुए, तो ये भी हमारे पास 70 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हो गए, तो वही जो प्रूफ आपने किया है कौन सा, कोण 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 समरूपता कसौटी जो अपने पिछले वीडियो में हमने प्रूफ किया है वही सारा रिपीट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि दिया गया है वही सेम दो त्रिभुज है एबीसी और डीईएफ, जिसमें कोण ए बराबर है कोण डी और कोण बी बराबर है कोण ई। इसी तरह से सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। अब रचना में वही हमें उसी तरह से रचना करनी है, क्या कि यहां पी और क्यू ले लेते हैं, पी और क्यू इस प्रकार कि ए बी बराबर है डी पी और ए सी बराबर है डी क्यू और पी क्यू को अब हम मिला देंगे। इसके बाद अगर इसकी उत्पत्ति या प्रूफ के बारे में देखते हैं, इसके प्रूफ में क्या है, देखो क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है चाहे त्रिभुज कोई सी भी हो, तो यहां पे हमारे पास कोण ए बराबर है कोण डी, कोण बी बराबर है कोण ई, कोण सी बराबर है कोण एफ होगा। नहीं, रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरी त्रिभुज के तीन कोणों के बराबर हो गए, एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरी त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो गए। अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि कोण 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 समरूपता कसौटी के अनुसार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगी त्रिभुज डी ई एफ की। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास कोण कोण समरूपता कसौटी, बिल्कुल सिंपल था हमारे पास। थैंक यू वेरी मच।